पर अब बात करेंगे खबरों की, जहां रांची से शुरुआत। लगातार 38 घंटे की आईटी रेड के बाद बेरमो विधायक जय मंगल सिंह अपने घर से बाहर निकले हैं, जिसके बाद आपको बता दें कि मीडिया के सामने खुलकर उन्होंने अपनी बात भी रखी। और इस दौरान विधायक अनूप सिंह ने बताया कि उनके रांची स्थित आवास पर इनकम टैक्स के अधिकारियों ने लगभग 38 घंटे तक छापेमार कार्रवाई की, लेकिन उन्हें कुछ भी सफलता हाथ नहीं लगी। इस दौरान विधायक अनूप सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस के विधायक उनकी पार्टी में शामिल हो जाए, इसलिए उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन वो इन कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। जिसमें दल बदल कानून नहीं लगे, उसमें वो नंबर पर्याप्त मात्रा में उन्हें मिल जाए, इसीलिए कांग्रेस के विधायकों को प्रेशरली काम कराया जा रहा है, इसीलिए कांग्रेस के विधायकों पर आईटी रेड मारी जा रही है। आज मेरे ऊपर प्रदीप यादव जी क्या मारा गया है, कल शायद जो और लोग नहीं मान रहे बीजेपी में जाने के लिए उनके ऊपर मारा जाए, तो बीजेपी यही चाहती नहीं, बहुत लोग नहीं मान रहे, लेकिन अभी नंबर सिर्फ मेरा और प्रदीप यादव जी का है, क्योंकि मुखर होकर हम ही लोग बोलते हैं। रेड कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये रेड कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर के द्वारा झारखंड सरकार को बदनाम करने की साजिश, झारखंड सरकार में जो लोग जो विधायकगण झारखंड सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें बदनाम करने की साजिश। क्या आपको लगता है कि आपको डराने की कोशिश हो रही है? लोग समझते हैं कि डरा कर हम अपना काम करा लेंगे, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं डरने वाले व्यक्ति में से नहीं। अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो निश्चित तौर पर मैं डरूंगा, मैं गलत करता नहीं हूँ, ना मेरे पिता ने गलत करना मुझे सिखाया है, मैंने पढ़ाई से अपने दिनचर्या को नहीं निभाया, मैंने अपने पिता के संस्कारों से अपने दिनचर्या को निभाया, मैं उनके साथ बड़ा हुआ हूँ और उन्होंने मुझे सिखाया है कि समाज में कैसे रहना है।